हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। किसी भी संस्थान के कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे उनका खर्च तो नहीं चलता, लेकिन मनोबल जरूर ऊंचा रहता है। लेकिन एसटी महामंडल के कुछ कर्मचारियों ने प्रबंधन पर प्रोत्साहन राशि न देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने अधिकारियों के निर्देश पर कोविड काल में अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई। इसके लिए वे अपने परिवार से भी दूर रहे। मंडल ने इस सेवा के लिए 300 रुपए वेतन के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की, लेकिन बाद में कुछ कर्मचारियों को यह राशि बांटकर अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, जबकि प्रोत्साहन राशि देने का नियम सबके लिए था। इस मामले में काटोल बुक डिपो और गणेशपेट डिपो के कर्मचारी गुस्से में है। उनका कहना है कि करोड़ों की आमदनी वाले एसटी महामंडल के पास प्रोत्साहन की राशि देने के लिए 300 रुपए भी नहीं है। उन्होंने अपनी शिकायत दूसरे माध्यम से मुंबई एसटी मुख्यालय भी पहुंचा दी है, जिससे मामले और गर्म होने की संभावना है। हालांकि एसटी मंडल के कुछ अधिकारियों का कहना है कि प्रोत्साहन राशि देने के कुछ नियम तय किए गए थे, जो कर्मचारी उन नियमों के दायरे में आ रहे हैं उन्हें ही राशि मिल रही है। ईडी कार्यालय के समक्ष सोमवार को कांग्रेसियों द्वारा किए गए विरोध आंदोलन में पूर्व शहर अध्यक्ष शेख हुसैन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों के प्रयोग और उनकी मौत के वक्तव्य दिए जाने से भाजपा में रोष व्याप्त है। कांग्रेस द्वारा सोनिया गांधी व राहुल गांधी को ईडी की नोटिस दिए जाने के विरोध में आंदोलन किया गया था, जिसमें मंच पर पालक मंत्री नितिन राउत और पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार भी उपस्थित थे। इस दौरान हुसैन ने प्रधानमंत्री के संदर्भ में आपत्तिजनक वाक्यों का प्रयोग किया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा विधायक, पदाधिकारी व कार्यकर्ता गिट्टी खदान पुलिस थाना पहुंचे। हुसैन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई। बावनकुले ने चेतावनी दी कि 48 घंटों में अगर हुसैन की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भाजपा सड़क पर उतरकर तीव्र आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अत्यंत नीचे स्तर की टिप्पणी की गई, जिसका हम तीव्र निषेध करते हैं। थाने में शिकायत दी गई है। महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन पर उनके खिलाफ शिकायत नहीं लेने का दबाव बनाया गया है। हावड़ा मुंबई रूट पर यात्रियों की उमड़ रही भीड़ के मद्देनजर रेलवे प्रशासन शालीमार एवं कुर्ला के मध्य स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। यह स्पेशल ट्रेन 14 जून को शालीमार एवं 18 जून को कुर्ला से चलाई जाएगी। गाड़ी में कोविड 19 की सभी गाइडलाइन के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। शालीमार से चलने वाली ट्रेन दोपहर 1:15 बजे नागपुर पहुंचेगी, जबकि कुर्ला स्टेशन से चलने वाली ट्रेन दोपहर 1 बजे नागपुर पहुंचेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी नोटिस दिए जाने के खिलाफ देश भर में कांग्रेसियों ने आंदोलन किया। दिल्ली में हुए आंदोलन में राष्ट्रीय सचिव व गुजरात के प्रभारी मुन्ना ओझा और नितिन कुंभलकर भी शामिल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने सारे आंदोलनकारियों के साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मयूर विहार पुलिस थाना में रखा गया। ओझा ने कहा कि मोदी सरकार की तानाशाही अधिक दिनों तक नहीं चलने वाली है। पूरा देश यह देख रहा है कि उनकी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले विरोधी पक्ष नेताओं को ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के नाम पर डराने धमकाने का काम मोदी सरकार कर रही है। राहुल गांधी अकेले ऐसे निडर नेता है जो मोदी सरकार की हर गलत नीतियों, फैसलों और देश को नागरिकों को बांटने वाली राजनीति के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। ऐसे में उनकी आवाज को दबाने के लिए ईडी का नोटिस दिया गया। यह एजेंसियों का दुरुपयोग है। ओझा ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मोदी सरकार सच्चाई उजागर करने वाले हमारे नेताओं के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई कर ले, कांग्रेसी कार्यकर्ता उतने ही जोरदार तरीके से विरोध करेंगे। आगामी चुनाव में देश की जनता भी सबक जरूर सिखाएगी। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बाद भी मास्क सहित अन्य सावधानियां दिखाई नहीं दे रही है। मौसम में आए बदलाव की वजह से भी जुकाम, सर्दी आदि बीमारियों के मरीज बढ़े हैं। हालत गंभीर होने पर इनमें से कई मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। पिछले सप्ताह से जिले में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ने के साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़ने लगी है। फिलहाल जिले में 219 एक्टिव केस है। इनमें से 5 मरीज अस्पतालों में भर्ती है, जबकि शेष संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। इस बीच 24 घंटे के भीतर 24 मरीज रिकवर हो चुके हैं। डॉक्टरों की माने तो फिलहाल जिले में रिकवरी रेट ठीक है। पिछले सप्ताह से संक्रमित तो बढ़े हैं, लेकिन गंभीर अवस्था वाले मरीज कम ही है। इसके बावजूद सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। इस बीच मिली रिपोर्ट के अनुसार 33 नए पॉजिटिव की पुष्टि हुई। इनमें सबसे अधिक 28 संक्रमित शहर में मिले, जबकि 2 ग्रामीण में मिले। इसका मतलब साफ है कि शहर में संक्रमण बढ़ रहा है। 24 घंटे के भीतर जिले में कुल 1388 लोगों की जांच की गई, जबकि 24 मरीज संक्रमित से निगेटिव हुए। कोविड 19 महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों में स्कूलों में अनियमित उपस्थिति के चलते राज्य भर में करीब 17,397 छात्र स्कूल से दूर हो गए।
इन छात्रों को दोबारा शिक्षा के प्रवाह में लाने के लिए विभाग की ओर से प्रयास जारी है, लेकिन इस सत्र में उनकी नुकसान भरपाई होगी इसे लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई है। नया शैक्षणिक सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है, यही वजह है कि शिक्षा विभाग ने स्कूल के आसपास के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों के अधिकाधिक प्रवेश के निर्देश स्कूलों को जारी किए गए हैं। शालाबाह्य छात्रों के प्रवेश हेतु आसपास के खदानों, ईंट भट्टे, बाजार परिसर, कामगार बस्तियों में जाकर सर्वेक्षण करने के निर्देश शालेय शिक्षा मंत्री ने दिए हैं। कोविड की वजह से स्कूल महीनों तक बंद रहे, इस दौरान अनेक छात्रों ने स्कूल ही छोड़ दिया। वहीं कई लोग अपने अपने शहर गांव की ओर निकल गए। कोरोना के दौरान छात्रों के अध्ययन की नुकसान भरपाई के लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। समग्र शिक्षा के अंतर्गत शालाबाह्य छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाने वाला है। इसके लिए पहली से आठवीं तक के लिए विद्यार्थी मित्र पूरक शैक्षणिक साहित्य की निर्मित की गई है। गर्मी और उमस से हलाकान शहरवासियों को अब धुआंधार बारिश का इंतजार है, लेकिन बादल है कि छा तो रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं। सोमवार को 20 से 30 मिनट की बारिश के बाद उमस और बढ़ गई है। मंगलवार को तो सुबह से ही तेज धूप निकली, शाम को काले बादल छाए लेकिन खबर लिखे जाने तक बारिश नहीं हुई। हालांकि तापमान में कुछ कमी जरूर आई है। मौसम विभाग ने सिटी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। साथ ही संभावना जताई है कि 15 से 20 जून तक रोज ही सिटी में 1 से 2 स्पेल की बारिश हो सकती है। रोज इसी तरह की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बादल उसे झूठा साबित कर रहे हैं। विदर्भ के कुछ इलाकों में 15 से 17 जून तक भारी बारिश होने की संभावना विभाग ने जताई है। सिटी में 20 जून तक अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक बना रहने की संभावना विभाग ने जताई है। हाल ही में एयर मार्शल विभास पांडे को वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने मंगलवार सुबह से अपना नया कार्यभार संभाला। एयर मार्शल विभास पांडे को 29 अगस्त 1984 को भारतीय वायुसेना में वैमानिकी इंजीनियर मैकेनिकल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने लड़ाकू विमानों के साथ भारतीय वायुसेना में इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में परिवहन विमानों के रखरखाव कार्यों में भी उन्होंने काफ़ी अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने फ्लाइट इंजीनियर के रूप में हेलीकॉप्टरों पर लगभग 1200 घंटे उड़ान भरी है और वे रोटरी विंग विमान के लिए वायुसेना परीक्षक भी रह चुके हैं। वे IIT पवई मुंबई से स्नातकोत्तर का कोर्स कर चुके हैं। वे कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र भी है। एयर मार्शल पांडे ने 11 बेस रिपेयर डिपो में सीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर, एयर आर्मामेंट इंस्पेक्शन विंग खमरिया एयर बेस के कमांडिंग ऑफिसर, कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर में डायरेक्टिंग स्टाफ और मुख्यालय WAC में कमांड इंजीनियरिंग ऑफिसर जैसे कई महत्वपूर्ण एवं जटिल असाइनमेंट को अपने कार्यकाल में अंजाम दिया है। उन्होंने वायुसेना में स्वदेशीकरण अभियान का भी नेतृत्व किया है। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी द्वारा नागरिकों की मूलभूत शिकायतों के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार जिला स्तर पर नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। दरअसल पहले यह कोरोना नियंत्रण कक्ष हुआ करते थे। इन केंद्रों को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और मंगलवार तक जोनल स्तर पर नागरिक समस्या निवारण केंद्रों में 467 शिकायतें प्राप्त हुई है और अब तक 10 जोन में 367 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सीवेज, पानी, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट के बारे में शिकायतें दर्ज करने के लिए एक नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किया गया है। इसका लाभ आज नागरिक उठा रहे हैं। प्रत्येक जोन में नागरिक समस्या समाधान केंद्र सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है और मानसून की शुरुआत के बाद यह सेल 24 घंटे चालू रहेंगे। अब तक लक्ष्मीनगर जोन में प्राप्त 47 शिकायतों में से 34, धर्मपेट जोन में 45 में से 43, हनुमाननगर जोन में 206 में से 181, धंतोली जोन में 37 में से 21 तथा नेहरू नगर जोन में 28 में से 20 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। मनपा अधिकारियों ने इस पहल की सफलता पर संतोष जताया है। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। स्थानीय ओमरेड स्केटिंग एकेडमी द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन स्केटिंग शिविर में स्केटिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस स्पर्धा में 77 स्केटर्स ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष से लेकर 14 वर्ष प्लस आयु वर्ग में था बिगिनर क्वाड इनलाइन जैसी 3 श्रेणियों में स्पर्धा आयोजित की गई थी। स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले स्केटर्स में प्रभास मिसाल, सांची मिसाल, विवेक बेले, निशिका तबले,
दुर्वाग रघोरते, साक्ष हजारे, क्रिएटी लिंगायत, सहर शंकर, शाश्वत नरुले, कुंज बालगोटे, दिशांत बोकडे, हितांश पीसे, बेरडेकर, स्वराली मेहतकर, अन्वय लुटे, प्रत्युष सेलोकर, वेदांती झाडे, आरुष चकोले, सिमरन ठाकरे, स्वानंदी घरत, एंजल सिंगायत, हर्ष झाड़े आदि का समावेश था। सिल्वर मेडल जीतने वाले स्केटर्स में प्रलक्ष रघोरते, लूटे, स्वादा पिरुलकर, त्रिशा शिलेदार, ईशान पांडे, अथर्व धामनगे, गाजी पठान, मोहन दलाल, भार्गवी गेडाम, त्रिशा चखोले, आख खड़जे, विहान आदि का समावेश था। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले स्केटर्स में जयेश हिरडकर, सरारकर, दिशा बचाले, प्रिंस जोधे, रोटित काकड़े, काव्य शिलेदार, आदिल पठान, छायांग गायकवाड़ आदि का समावेश था। स्पर्धा की सफलता के लिए विभा मिसाल, रिहान रजा शेख, ओम बोरकर, परिकेत भगत ने प्रयास किया। आयोजक रविंद्र मिसाल ने स्पर्धा को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। पुरस्कार वितरण समारोह में पूर्व पार्षद रेणुका कामड़े, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट चाफले, डॉक्टर महेश लट्टे, कैप्टन ज्ञानेश्वर परोत उपस्थित थे। वाड़ी नगर परिषद का आरक्षण सोमवार को नागपुर ग्रामीण तहसील कार्यालय में निकाला गया। इस मौके पर वाड़ी के सभी पार्टियों के नेतागण उपस्थित थे। प्रशासक इंदिरा चौधरी, मुख्याधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख ने आरक्षण घोषित किया। वाड़ी के शेलोम विद्या मंदिर के छात्र दशम धनंजय कल से इवेना घनश्याम भुंगाड़े आदि छात्रों के हाथों चिट्ठियां निकालकर एससी एसटी व महिला आरक्षण के आंकड़े साझा किए गए। ओबीसी आरक्षण न होने से कई उम्मीदवार सुरक्षित माने जा रहे हैं, वहीं ओबीसी उम्मीदवारों में इस बात को लेकर निराशा है। प्रभाग एक से रांगापा के श्याम मंडपे एक एससी महिला व सर्वसाधारण वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। प्रभाग 8 से शिवसेना के हर्षल काकड़े एक महिला और एक साधारण वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। बसपा के नरेंद्र मेंढे का प्रभाग 7 सुरक्षित है। रांगापा के राजेश जायसवाल का प्रभाग 3 भी सुरक्षित है। नगर अध्यक्ष प्रेम झाड़े के लिए भी कोई खतरा नहीं है। पहले झाड़े भाजपा से चुनाव लड़े, अब रांगापा टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के नरेश चरडे प्रभाग 12 या 13 से यदि चुनाव लड़े तो प्रतिद्वंदियों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। यहाँ पर अनुसूचित जाति का वोट बैंक अत्यंत महत्वपूर्ण है। सावनेर नगर पालिका के आगामी चुनाव के लिए नगर के 11 प्रभाग के 23 वार्ड हेतु सोमवार को अतुल महेत्रे, उप विभाग के अधिकारी तथा नगर पालिका सावनेर के प्रशासक की अध्यक्षता में एवं तहसीलदार प्रताप वाघमारे, मुख्याधिकारी हर्षला राणे की प्रमुख उपस्थिति में ईश्वरीय चिट्ठी द्वारा सभी प्रभाग के आरक्षण निर्धारित किए गए। साल 2022 में संपन्न होने वाले नगर पालिका चुनाव हेतु तय हुआ कि आरक्षण कुछ इस प्रकार है। प्रभाग 1 अ अनुसूचित जाति महिला, प्रभाग 1 ब साधारण वर्ग, प्रभाग 2 अ साधारण महिला, प्रभाग 2 ब साधारण वर्ग, प्रभाग 3 अ साधारण महिला, प्रभाग 3 ब साधारण वर्ग, प्रभाग 4 अ साधारण महिला, प्रभाग 4 ब साधारण वर्ग, प्रभाग 5 अ साधारण महिला, प्रभाग 5 ब साधारण वर्ग, प्रभाग 6 अ साधारण महिला, प्रभाग 6 ब साधारण वर्ग, प्रभाग 7 अ साधारण महिला, प्रभाग 7 ब साधारण वर्ग, प्रभाग 8 अ अनुसूचित जाति, प्रभाग 8 ब साधारण वर्ग, प्रभाग 9 अ अनुसूचित जाति महिला, प्रभाग 9 ब साधारण महिला, प्रभाग 9 क साधारण वर्ग, प्रभाग 10 अ साधारण महिला, प्रभाग 10 ब साधारण वर्ग, प्रभाग 11 अ अनुसूचित जनजाति एवं प्रभाग 11 ब साधारण वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया है। हाल ही में अलजिस एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से महान क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता स्वप्निल पारवे का सत्कार भी किया गया। विगत कई वर्षों से सामाजिक, सांस्कृतिक तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सावनेर तथा निकटवर्ती स्थानों में उनकी गतिविधियां निरंतर जारी है, जिसे देखते हुए नागपुर की सामाजिक संस्था ने स्वप्निल पारवे का मानपत्र, ट्रॉफी, शाल तथा श्रीफल देकर सत्कार किया। नागपुर बिजनेस एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष मनोहर आहूजा के हाथों एनबीए कार्यालय में ये सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी अब्दुल अमानी कुरैशी, अमजद खान, शेख अल्ताफ आदि उपस्थित थे। पहले से जहां मेक इन इंडिया का सपना साकार हो रहा है, वहीं स्थानीय लघुकार, कारीगरों, हस्तशिल्पों की आत्मनिर्भरता के मामलों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। ये पहल इस क्षेत्र के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी मददगार साबित होगी। इस योजना के तहत नागपुर मंडल के अंतर्गत गोंदिया तथा इतवारी रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म में स्थानीय उत्पाद की बिक्री के लिए स्टॉल की सुविधा 15 दिनों के लिए मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा इस योजना के तहत देहरादून से 15 दिनों के लिए नैनपुर रेलवे स्टेशन में फॉरेस्ट प्रोडक्ट से निर्मित महुआ लड्डू, आंवला प्रोडक्ट, सेंठा लड्डू, कोदो एवं कुटकी तथा छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में मिट्टी से बने बर्तनों की बिक्री का स्टॉल संचालित हो रहा है। इन सभी रेलवे स्टेशनों के यात्री इन उत्पादों से परिचित हो रहे हैं, साथ ही आवश्यकता के अनुसार इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। स्थानीय व्यापार के कला को भी बढ़ावा देकर विविध उत्पादों की बिक्री को रेल यात्रियों व आगंतुकों तक पहुँचाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
महिला महाविद्यालय नंदनवन की छात्रा तनुश्री यशवंत गिरिकुंजे ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 में कॉमर्स संकाय से 82.67% अर्जित कर सफलता प्राप्त की है। ये सफलता उन्होंने गंभीर आर्थिक परिस्थिति के बावजूद अर्जित की है। तनुश्री के पिता का 2016 में निधन हो गया था, तब से तनुश्री अपने माँ के कष्ट को समझ कर अपने उद्देश्य को पाने के लिए मेहनत कर रही है। इतना ही नहीं, वो अपनी माँ के व्यवसाय में भी हाथ बटाती है। तनुश्री ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ व अपने कॉलेज के शिक्षक व विशेषकर प्रोफेसर राहुल गौर को है। उनकी सफलता पर उनके गुरुजन, परिजन व समाज से भी प्रोफेसर राहुल गौर ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हाल ही में थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के सदस्य और थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर विंकी रुकवानी ने की। डॉक्टर जयप्रकाश एवं डॉक्टर संगीता रुकवानी मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में थैलेसीमिया और सिकल सेल के रोगियों के साथ उनके माता पिता और अन्य लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर नियमित रूप से रक्तदान करने वालों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विंकी रुकवानी ने अपने भाषण के दौरान रक्तदान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में रक्तदाताओं की संख्या हमारी जरूरत से काफी कम है। करीब 1% लोग ही ऐसे हैं जो रक्तदान करते हैं। दुनिया के कई अन्य देशों में रक्तदाताओं की संख्या लगभग 4% है। डॉक्टर रुकवानी ने कहा कि थैलेसीमिया और सिकल सेल रोगियों के लिए नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से थैलेसीमिया रोगियों को लगभग हर 15 दिनों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। ऐसे मरीजों के लिए रक्तदान एक जीवन रेखा है। पति की लंबी आयु की प्रार्थना करने के पर्व वट पूर्णिमा पर गांधीबाग महिला मंडल की ओर से वट वृक्ष का परंपरागत रूप से पूजन कर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय महिला उपस्थित थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण महिला सेना की ओर से मनसे प्रमुख राज साहब ठाकरे के 54वें जन्मदिन के अवसर पर महासचिव हेमंत गडकरी के मार्गदर्शन में शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल सक्करदरा नागपुर में कार्यकर्ताओं द्वारा मरीजों में बिस्किट एवं फलों का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम मनसे महिला नगर अध्यक्ष मनीषा पापड़कर के मार्गदर्शन में एवं जिलाध्यक्ष सतीश कोल्हे, जिलाध्यक्ष आंचल मेसन, संभागाध्यक्ष मंजूषा पानबुड़े, नगर सचिव अर्चना कड़ू, नगर उपाध्यक्ष पूनम चाड़गे, नगर उपाध्यक्ष मनीषा पारट, पूर्व संभागाध्यक्ष नंदा खोबरागड़े, संयुक्त सचिव स्वाति जायसवाल, संभाग सचिव दीपा चिरकुटे, वार्ड अध्यक्ष मिनल शितोले, शाखा अध्यक्ष राज बहिर आदि पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शहर के नागरिक की सुविधा के लिए 50 स्थानों पर 100 ई शौचालय स्थापित करेगा। मंगलवार को स्मार्ट सिटी के निदेशक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ऑनलाइन बैठक में डॉक्टर संजय मुखर्जी, सलाहकार और अध्यक्ष स्मार्ट सिटी मुंबई ने भाग लिया। नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन भी, बोर्ड सदस्य अनिरुद्ध शेनवाई, आशीष मुकिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागपुर स्मार्ट सिटी चिन्मय गोतमारे, कंपनी सचिव भानुप्रिया ठाकुर और मुख्य वित्त अधिकारी नेहा झा उपस्थित थे। इस बैठक में शहर के नागरिकों को स्मार्ट सिटी का लाभ देने का निर्णय लिया गया। नागपुर में पुरुषों और महिलाओं के लिए ई टॉयलेट स्थापित करने का निर्णय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया है। स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिन्मय गोतमारे ने कहा कि शहर को इन शौचालयों की सख्त जरूरत है। कुल लागत 11,68,00,000 रुपए की उम्मीद है और जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इन शौचालयों का निर्माण निगम के सहयोग से किया जाएगा। साथ ही नागपुर स्मार्ट सिटी द्वारा मनपा के शिक्षा विभाग के सहयोग से 3 पुस्तकालयों के नवीनीकरण और उन्हें स्मार्ट ई पुस्तकालयों में बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।